हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। टुडे विल स्टार्ट ए न्यू लेसन सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप ऑब्जेक्ट अराउंड इस। सॉर्टिंग मटेरियल का मीनिंग होता है कि जो अलग अलग तरह का सामग्री होती है, सामान होता है, किस किस चीज़ से बना होता है, उनको अलग अलग भागों में बांटना। जैसे प्लास्टिक से बनता है, लोहे से बनता है, स्टील से बनता है, तो लकड़ी से बनता है, इनको अलग अलग भागों में बांटने से मतलब है वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वेराइटी इन दैम। हमने देखा कि हमारे अलग अलग तरह के कपड़े हमें मिलते हैं, भोजन में अलग अलग तरह की वेराइटी खाने को होती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देर इज मच सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। केवल भोजन और कपड़ों में ही नहीं, परंतु हर अलग अलग चीज़ें में अलग अलग तरह की वेराइटीज़ मिलती हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए ब्लॉक कार्ट, एक साइकिल, लुकिंग यूटेंसियल, कुकिंग यूटेंसियल, बुक्स, क्लॉथ, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर चेयर हैं, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, खिलौने हैं, पानी, पत्थर और बहुत से और ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूज़। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग यूज़ होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप। हम अपने अपने चारों ओर देखें तो हमें देखेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट जो हैं, जो ऑब्जेक्ट अराउंड हों, गोल हों, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। तो हम अब जो गोल चीज़ें होती हैं उसमें रबर बॉल आ जाएगी, फुटबॉल, जो कांच के जो कंचे हैं वो आ जाएंगे। जो भी गोल चीज़ें होती हैं उनको हम इंक्लूड करें लिस्ट में, तो वो सभी चीज़ें लिखेंगे वी है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली अराउंड आवर लिस्ट, कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड एन अर्थन पिक्चर, घड़ा। तो हम और दूसरे ऑब्जेक्ट जो गोल होते हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है और अर्थन पिक्चर जिसको हम घड़ा बोलते हैं वो है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखें जो खाने योग्य होते हैं, वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो हमने चैप्टर 1 में बहुत से खाने की टेबल्स चीज़ों के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें खाने योग्य होती हैं और जिसमें गोल शेप किस किस की होती है, तो वो सभी हम इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दीज दोज अराउंड शेप राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। तो हम उन गोल शेप के जो इतने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक लिस्ट बना के बना सकते हैं। लेट्स से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बुकेट्स, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी अदर सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप में अगर हम लिस्ट की दूसरे ग्रुप बनाएं तो उसमें हम प्लास्टिक की चीज़ें रखेंगे, जिसमें प्लास्टिक के बुकेट्स होते हैं, बाल्टी होती हैं, लंच बॉक्स होते हैं, खिलौने, वाटर कंटेनर होते हैं जिनमें पानी भर के रखा जाता है, पाइप्स होते हैं और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो किसी प्लास्टिक से बनते हैं। देर आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। हम प्लास्टिक के ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, हल्की प्लास्टिक वाले, भारी प्लास्टिक वाले, अच्छी क्वालिटी, लो क्वालिटीज, तो इस तरह से हम उनको अलग अलग शेप्स ग्रुप्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन द बे ऑन द बेस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो इन एग्जांपल्स में हमने चीज़ों को जिससे वो बनती हैं और जिस शेप की होती हैं, शेप वालों को, गोल वालों को अलग निकाल दो, प्लास्टिक वालों को अलग निकाल दो, तो उनको अलग अलग इस शेप के आधार पर और मटेरियल के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल। कुछ जितने भी मटीरियल्स होते हैं वो एक ही चीज़ से तो मिल के बने नहीं होते, कुछ ऑब्जेक्ट्स में एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के फिर उनको बनाया जाता है। दीज मटीरियल्स में भी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल, यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स। तो हमारे जो ये मटीरियल्स बनते हैं इनमें कांच है, धातु है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, कॉटन है, पेपर और मड होता है, मड और सोयल होता है जिसे कले कहते हैं हम, उससे जिसे सिंपल भाषा में गारा कहा जाता है। तो इन सबसे
इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं। लाइक एक्टिविटी वन देख लेते हैं, लेस कलेक्टेड मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्कूल, वट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो अगर हम अपने घर में जो डे टू डे यूज़ करने वाली चीज़ों को कलेक्ट करें, क्लासरूम की चीज़ों को कलेक्ट करें, तो उसमें क्लासरूम में हमें चाक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबड़ है, डस्टर है, हैमर है, नेल्स, घर में नेल्स, शॉप स्पोक ऑफ ए व्हील्स, बैट, तो ये मैच बॉक्स है, साल्ट, पटैटो, ये चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ की हैं और हमारे क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, हम उन चीज़ों के बारे में भी लिस्ट बना सकते हैं जो हम जिनके बारे में सोच सकते हैं परंतु उनको हम क्लासरूम में या एक डायरेक्ट घर में नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल है, ट्री है, डोर है, ट्रैक्टर है, रोड है, तो इन चीज़ों को हम क्लासरूम में नहीं लेके जा सकते। तो इन चीज़ों की भी हम लिस्ट बना सकते हैं कि किसके मटेरियल से बनी है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, तो अगर हम पूरी लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में से जो कागज़ से बनते हैं या लकड़ी से बनते हैं उनको ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट लकड़ी से बने हैं, ये कागज़ से बने हैं, ये लोहे से बने हैं। तो दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटने की बात हो रही है, तो हम सिर्फ पेपर वाले और लकड़ी से बनने वाले मटेरियल्स की ही बात करेंगे। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, तो एक ग्रुप में हम जिससे पेपर और लकड़ी से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, दूसरे में जो इनसे नहीं बनता उसको रखते हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, तो हम उन चीज़ों का भी रख सकते हैं जो हमारे भोजन को बनाने में यूज़ होती हैं। लेट अस बी ए लिटल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन 4.1, तो हमारी 4.1 ऑब्जेक्ट है जो उस लिस्ट जो है उसमें हम मटेरियल्स की एक लिस्ट बनाते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, इट वुड बी फन टू मेक दिस इज लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, तो हम एक एक ऑब्जेक्ट को लेके उसकी किससे वो बनता है, किस किस मटेरियल से वह बनता है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। कलेक्टिंग, तो इसकी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, जितने भी हम पॉसिबल हमारे पास लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कि ये पेन इससे बनता है, पेंसिल इससे बनती है, या नाइफ इससे बनता है, तो उन सबको एक लिस्ट में किस किस धातु का उनमें प्रयोग होता है, किस किस ऑब्जेक्ट मटेरियल से वो बनाई जाती हैं। इट मे सीम difficult to find out the material out of which some of these objects are made. तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ये एक से ज़्यादा मिक्सचर होते हैं तो इनका आम पता नहीं होता। इन सच केस डिस्कस विद योर फ्रेंड टीचर एंड पेरेंट्स आइडेंटिफाई द मटीरियल, जैसे प्लेट है वो जिसको हम थाली बोलते हैं तो वह स्टील से है, स्टील की भी बनी होती है, कांच की भी बनी हो सकती है, और प्लास्टिक की भी, और एनी की और धातु की भी बनाई जा सकती है, और पेन है प्लास्टिक का और धातु का बना होता है, मेटल का, तो और ऑब्जेक्ट इसी लिस्ट में हम डालते जाएं, उसको कितने भी लंबी हम लिस्ट बना सकते हैं। एक्टिविटी टू की तरफ ध्यान करते हैं, तो एक्टिविटी टू लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन आल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम वन दैट आर नोन टू यू, कॉलम वन में हम और भी मटेरियल्स को डाल सकते हैं जिनको जिनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। जैसे इन्होंने टेबल 4.2 में दिखाया डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, कि एक ही मटेरियल से अलग अलग चीज़ें क्या बनती हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, चेयर बनती हैं, टेबल बनता है, प्लॉ, ब्लोकार्ट एंड इट्स व्हील्स, तो और भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि लकड़ी से हम जो घर के फर्नीचर हैं वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बाहर के कोई वस्तुएं हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, पेपर से क्या बनता है, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें, लेदर से क्या बनता है, प्लास्टिक से, कॉटन से, जो जो हमें हमारे चारों तरफ अराउंड में होते हैं हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं, जिनके बारे में उनके लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं।
तो नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियलिस्ट इन द कॉलम टू। तो ये कॉलम वन और टू दे रखे हैं, तो इसमें हम भर सकते हैं जितने भी हमें आते हैं। तो इस लिस्ट को हम कितना भी बड़ा बढ़ा सकते हैं। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज ऑफ टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे। तो वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। हम देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटीरियल से बने हो सकते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटीरियल। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही सिंगल मटीरियल से बना सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल। और कई बार एक ही ऑब्जेक्ट में कई एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के तब जाके उसको बनाया जाता है। एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक ही मटेरियल्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं। लकड़ी से कई बहुत से फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दैट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो इससे हम अलग अलग मटेरियल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि और मटेरियल से हम किन किन चीज़ों को बनाया जा सकता है, और एक ही चीज़ में कौन कौन से मटेरियल्स को मिलने से वो चीज़ डेवलप बनती है। आगे है 4.2 में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, कि किसी भी मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके गुण हैं, उनको कैसे पता लगाया जाए। हाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आप कभी इस बारे में सोचा है कि क्या एक टम्बलर होता है गिलास, कि एक गिलास को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है। रिकॉल आवर एग्जाम्पल विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर और टू कीप ए लिक्विड। तो अगर हम कपड़े, तो हम चैप्टर 3 में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कपड़े के बारे में बताया था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो टुम्बलर है, गिलास, अगर हम कपड़े का बना भी देते हैं तो उसके अंदर हमने लिक्विड रखना है, सॉलिड चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि कपड़े के अंदर सॉलिड जो वस्तु होती है वो आ जाती है, परंतु लिक्विड नहीं आता। देयरफॉर वुड इज़ नॉट बी ए सिली, वुड इट नॉट बी ए सिली इफ़ वी वर टू मेक ए टुम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। दैट वी नीड फॉर ए टुम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर। अगर हम कपड़े से गिलास बनाएंगे तो वह पानी को रोकेगा, ये हमारी मूर्खता है इस बारे में ऐसा सोचना, क्योंकि प्लास्टिक से, कांच से और धातु से या अगर किसी मटेरियल से बना हुआ गिलास ही पानी को होल्ड करेगा। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। तो हम खाना पकाने के लिए भी कागज़ से बनी हुई किसी वस्तु को हम अपने ओवन पर, चूल्हे पे ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि वो जल जाएगा। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट किसी एक कार्य के लिए प्रॉपर होता है, वही ऑब्जेक्ट उसके लिए बनाया जाता है, उसी मटेरियल से उसका यूज किया उसको बनाया जाता है। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो हमने देखना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं और हमने उसको बनाना किस लिए है, हमारा पर्पस क्या है, उसको बनाने के पीछे हमने उसका यूज़ क्या करना है। So that we all the property of material that would be important for their uses. तो हमें उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ अपीयरेंस है प्रॉपर्टीज, जो उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। अपीयरेंस को होता है कि वो दिखने में, देख के हम बता सकते हैं। मटीरियल्स यूजली लुक्स डिफरेंट फ्राम ईच अदर। एक मटेरियल दूसरे से अलग अलग नज़र आता है। लोहा अलग नज़र आएगा, लकड़ी अलग नज़र आएगी, प्लास्टिक अलग नज़र आएगी। वुड लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी अलग है तो लोहा अलग है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग अलग है, क्योंकि वो धातुएँ अलग अलग हैं। एट द सेम टाइम देर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देर इन वुड। कि कई बार इनको मिक्स करके हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को बना रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनके कारण उनको मिलाया जाता है, उनसे कोई वस्तु बना रहे हैं। एक्टिविटी 3
की तरफ बात कर लेते हैं। तो कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करें, कार्डबोर्ड है, पेपर है, लकड़ी है, कॉपर की तारें हैं, एल्यूमिनियम की शीट है, चाक है, तो क्या उसकी जो सरफेस है, जो उनकी सिरा है, उनके एक साइड का जो जिधर से हम पकड़ रहे हैं, तो वो एक साइड से वो उनका सरफेस शाइनी है क्या, चमक रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, जो चमकते हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल लीजिए। नाउ ऑब्जर्व ऑल द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीस एंड लुक एट द फ्रेशी कट सरफेस। क्योंकि अगर आपका टीचर, क्योंकि अब क्लास संभव नहीं है, अगर किसी चीज़ को हम काट के बीच में से देखते हैं तो उसके जिस भाग से हमने काटा है वहाँ से उसके पीस के दोनों साइडों को देखो कि वहाँ क्या, व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ दीज मटीरियल अपीयर शाइनी, कि जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर वह चमक रहा है, शाइनिंग दे रहा है वहाँ से। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल, तो उनको हम शाइनिंग मटेरियल्स के ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हैं कि जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से चमकता है, चमक पहले से ज़्यादा आ रही है चमक काटने के बाद, तो उसको शाइनिंग मटेरियल में रखें। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, क्या इस तरह की शाइन जो चमक है वो दूसरे मटेरियल्स में भी हो सकती है? कट दैम एनी वे एज यू कैन, अगर हम उनको भी पॉसिबल है तो उनको काट के देखें बीच में से, अगर वो काटने के बाद उनके ऊपर सरफेस के ऊपर जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से और ज़्यादा चमक आ रही है, तो डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर, कट दैम एनी वे एज यू कैन, रिपीट दिस इज इन द क्लास विद एज मैनी मटीरियल एज पॉसिबल एंड मेक इट लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर, इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटीरियल विद सैंड पेपर टू सी इट इफ इट हैज लस्टर। अगर हमने कटर की जगह पर कोई चमक नहीं आ रही है, उसको जो सैंड पेपर होता है उसके साथ हम रगड़ के देखेंगे तो उससे अगर चमक बढ़ जाती है तो उनको भी हम शाइनिंग सरफेस वाले मटेरियल्स की लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये जो कुछ कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, तो इन मटेरियल्स को जो काटा गया है पाइप्स को, तो इसके ऊपर जो ऊपरी जहाँ से कट लगाया है उस पर पे एक जो लस्टर है, चमक है, वो दिखाई अपीयर हो रही है, तो उनको अलग रूप में डाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स, तो जो मेटल जिनके ऊपर चमक है वो क्या है, धातुएं हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स, तो ये आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सभी मेटल धातुओं के उदाहरण हैं, इनको अलग ग्रुप में डाल दें। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके जो मॉइस्चर की वजह से, नमी की मात्रा की वजह से और हवा के संपर्क में आने से उनकी जो शाइनिंग है वो कम डल हो जाती है, मतलब वो शाइन उनकी कम पड़ जाती है समय के साथ साथ। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस, क्योंकि जब हम उनको दोबारे कभी कुछ समय बाद काटेंगे तो जहाँ से कट लगाया है सिर्फ वहीं पर वो चमक दोबारे से अपीयर होगी, दिखेगी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशी कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ दे हैव लस्टर, अगर हम किसी लोहार के पास जाएं या आप किसी वर्कशॉप में जाएं तो वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं वो धातुओं के पीस को काट रहे होते हैं, रोड को काट रहे होते हैं, तो उनसे हम वहाँ देख सकते हैं कि किस धातु के अंदर, किस वस्तु को कटने के बाद उसके अंदर जो सरफेस है, बाहरी भाग है उसका जहाँ से काटा गया है, उसमें चमक किस किस भाग में है। इससे आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।